हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शोलीज किचन। नवमी पूजन में हम लोग एक थाली बनाते भगवान को भोग लगाने के लिए। ऑनियन और गार्लिक के बिना ही हम इस थाली को बनाएंगे। चने को हम बॉईल के लिए लगा देंगे और साथ ही साथ में हम आलू की सब्जी भी बना लेंगे। इसमें मैंने एक कप चना को भिगो के रख लिया है और पानी मैंने यहाँ पे 2 कप पानी डाल दिया है बॉईल करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून सेंधा नमक डाल दिया और इसको अब हम बॉईल करने के लिए लगा देते हैं। चने को बॉईल करने के लिए रख लिया है, इसको हम 3-4 व्हिसल लगाएंगे। तब तक हम लोग आलू की सब्जी बना लेते हैं। पैन में 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। ऑयल गरम हो गया है, इसमें मैं 1 टीस्पून जीरा डाल देती हूँ। मैंने इसमें 2 टोमेटो को प्यूरे बना लिया है, वो मैं डाल देती हूँ। 1 टीस्पून मैं सेंधा नमक डाल देती हूँ। 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर। मसाले अच्छे से फ्राई हो गया है, इसमें मैं आलू डाल देती हूँ। अभी आलू अच्छे से फ्राई हो गया मसाले के साथ, मैं इसमें अब थोड़ा सा गरम पानी मिला देती हूँ और फिर इस आलू को हम एकदम स्लो हीट पे 5 टू 7 मिनट्स इसको हम बॉयल होने देंगे। आलू की सब्जी बन गई है। थोड़ा सा हींग का पानी मिला देती हूँ और इसको ढक के हम रख देते हैं। जब तक चना बॉईल हो रहा है, आलू कुक हो रहा है, मैं यहाँ पे पूरी की आटा गूंद लेती हूँ। इसमें मैं 1 टीस्पून सॉल्ट डाल देती हूँ। अब आटे में हम 2 टीस्पून घी डालेंगे। आटे में घी और सॉल्ट को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। पूरी के आटा थोड़ा सा टाइट बनता है तो इसीलिए पानी बहुत थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। यहाँ पे मैंने आटा को गूंद के रख लिया है। अब हम सूजी का हलवा बना लेते हैं। मैं पैन में 2 टीस्पून घी डाल देती हूँ, सूजी डाल देती हूँ। इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे स्लो हीट पे। सूजी को 10 मिनट से मैं स्लो हीट पे रोस्ट कर रही हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा कैश्यू एंड रेजिन्स डाल देती हूँ। सूजी के साथ इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अब सूजी में हम थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे। मैं 1 कप ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लेंगे और इसको ढक के अब हम स्लो हीट पे बॉयल होने देंगे। कार्डमम पाउडर मिला देती हूँ। आलू की सब्जी भी बन गया है, हलवा भी बन गया है, चना भी देखिए बॉयल हो गया है। चने को थोड़ा छौंक लगा लेते हैं। पैन गर्म हो गया है और इसमें मैं 1 टीस्पून घी डाल दिया। 1/2 टीस्पून करीब जीरा डाल दिया। जीरा हो गया है, अब इसमें मैं बॉइल चने डाल देती हूँ। 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब सबको मिक्स कर लेते हैं। चना बन गया है, ऊपर से मैं थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दिया। हीट को बंद कर देते हैं। मिक्स कर लिया, बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम पूरी को फ्राई कर लेते हैं। मैं आटा को बेल लेती हूँ। अब मैं पूरी को इसमें तल लेती हूँ।
रायता बनाएंगे अब हम। रायते के लिए मैंने यहाँ पे हाफ कटोरी मैंने दही ले लिया है। मिक्स करते हुए अच्छे से फेंट लेंगे और ये दही बहुत बढ़िया तरीके से स्मूथ बन जाएगा। ये स्मूथ दही बन गया है। अब इसमें हम पिंच ऑफ रेड चिली पाउडर। अब जीरा को हल्का सा रोस्ट कर लीजिए और रोस्ट करने के बाद उसका एक पाउडर बना लीजिए। तो मैं हाफ टी स्पून इसमें जीरा पाउडर डाल दिया, हाफ टी स्पून सेंधा नमक। सबको हम अच्छे से मिला लेंगे और आपका रायता बनके तैयार है। सारी चीजें बनके तैयार हो गया है। अब हम भगवान जी के लिए भोग का थाली बना लेते हैं। मैंने थाली यहाँ पे बना लिया है, आप देख सकते हैं। सारी चीजें मैंने थाली में लगा लिया, पूरी, चने, रायता, आलू की सब्जी, हलवा। अब मैं भगवान जी को इसी थाली से भोग लगाने वाली हूँ। हम सब इस भोग को एंजॉय करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, ईट फ्रेश, स्टे हेल्दी।